मेरे ख्याल में आपको पसंद आई होगी। ये था आज का रिव्यू जो कि आपको पसंद आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राना बदर और आप देख रहे हैं कारकूप। आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो आपको मेरे बैक साइड पर नज़र आ रही होगी, सुजुकी बोलान जो कि 2022 मॉडल है। तो अगर इस गाड़ी की तारीफ़ की जाए तो मेरे ख्याल में इस गाड़ी की तारीफ़ इस तरीके करेंगे कि अगर पहाड़ी इलाकों में आपको सबसे ज़्यादा गाड़ी नज़र आएगी वो आपको कैरी बोलान नज़र आएगी। उसके अलावा अगर आप कहीं लोडिंग के लिए या फैमिली के लिए कहीं भी देखेंगे तो आपको ये गाड़ी जो कि पाकिस्तान में कामयाब नज़र आएगी। इसके अलावा जो कि और भी गाड़ियाँ हैं, इसके कंपेटिटर हैं, उन्होंने भी गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, मगर वो इतनी पायदार और कारामद नहीं है, ना उनके अंदर इतनी पावर है। मगर आफ्टर ऑल अगर इसके अंदर देखा जाए या पहाड़ियों पे देखा जाए, अगर आपको कहीं नॉर्दर्न साइड पे विज़िट हुआ तो वहाँ पे आप देखें तो आपको जो कि गाड़ी ज़्यादातर नज़र आएगी सिर्फ़ और सिर्फ बोलान नज़र आएगी, क्योंकि पावर के लिहाज से, इसकी पायदारी के लिहाज से, अगर इसको हर लिहाज से देखा जाए तो आपको जो कि बोलान ही है वो आपको नॉर्दर्न साइड पर या लोडिंग वाली साइड पर या जहाँ भी देख लें आपको ज़्यादा बोलान नज़र आएगी। तो गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर रहे थे, गाड़ी की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और ज़मीन के साथ जो इसकी हाइट है वो भी आप देख सकते हैं कि आप जो कि आपकी नॉर्मल गलियां हैं या जितने स्पीड ब्रेकर हैं उसके ऊपर ये मेरे ख्याल के लग सकती है। जितना वीगो का मेरे ख्याल होता है स्पेस ज़मीन से और गाड़ी के अंदर, उतना ही मेरे ख्याल इसी के अंदर ही। तो सबसे पहले अगर गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ देख लें तो यहाँ पे आपको फ्रंट के ऊपर दो जो के वाइपर मिल जाते हैं, साथ वाशर आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्क्रीन वाशर। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात कर लें तो हेडलाइट अगर आप देखें तो सुजुकी के अंदर जो कि बोलान ही है, जिसकी हेडलाइट बहुत ज़्यादा रात के टाइम पड़ती हैं, और मगर यह है कि आगे वाले बंदे कुछ नज़र नहीं आता, फिर मजबूरन के जब तक सुजुकी वाला रैम नहीं करता तब तक अगला बंदा बेचारा परेशान रहता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपको जो कि हाई लो बीम आपको एक ही लाइट्स के अंदर मिल जाती है, ये सारा आपको मैट ब्लैक के अंदर जो कि इसकी ग्रिल मिल जाती है। उसके अलावा फ्रंट का अगर बम्पर देखें ये भी आपको जो कि मैट ब्लैक के अंदर ही मिल जाता है। गाड़ी के अगर इंडिकेटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देखें आपको नीचे इंडिकेटर और जो कि इसकी पार्किंग लाइट है वो फ्रंट के बम्पर में आपको मिल जाती है। ओवरऑल अगर गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर लें तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़े से अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने गाड़ियों की सेफ्टी के लिए स्टील के बम्पर लगवाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी गाड़ी की लुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो जहाँ तक गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात है, गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन की जाए तो गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आपको पता है सादी गाड़ी कोई भी हो अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले अगर इसके फ्रंट वाली साइड पे देखें जो कि आपको बैक व्यू मिरर मिलते हैं, ये बिल्कुल आपको नॉर्मल में मिलते हैं, यह आपको हाथ के साथ फोल्ड करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर एंटीना मिल जाता है, जो एंटीना आपको जो कि रेडियो के लिए इसके अंदर जो कि MP3 भी यूज़ किया गया वो भी आपको अंदर मैं इंटीरियर में दिखाऊंगा। उसके अलावा जो डोर हैंडल दिखाता हूँ ये आपको जो कि मैट ब्लैक के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर इसके इंडिकेटर की बात कर लें, इंडिकेटर जो कि आपको किसी फेंडर के ऊपर नहीं मिलता, जो कि आपको इंडिकेटर मिलता है जो आपको जो फ्रंट वाला पिलर है इसके ऊपर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसके जो कि रेयर डोर की बात कर लें तो ये आपको स्लाइडर में मिल जाता है, ये देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है क्योंकि नया मॉडल भी है। उसके अलावा देखें गाड़ी की जो कि ये चेक कर सकते हैं आप, गाड़ी के अंदर क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी की स्टपनी की जो कि स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको जो कि मिलता है वो आपको यहाँ पे नीचे मिलता है, ना आपको इसके बूट में मिलता है ना इसको आपको जो कि बूट के नीचे स्पेस में मिलता है, आपको जो कि इसका स्पेयर व्हील मिलता है वो आपको यहाँ पे साइड पे मिल जाता है। उसके अलावा इसके जो कि साइड वाले विंडो हैं ये आपको जो कि हाथ से इसको स्लाइड करने पड़ते हैं, इसको आगे पीछे करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो जो साइड इसका बैक वाला है, सबसे एंड वाला शीशा, इसको भी आप चाहें तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ से हवा की क्रॉसिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसकी वजह से अगर आप चाहें तो इसको भी दो पार्ट में आप करवा के यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर इंटीरियर एग्जिट की बात है, गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट भी दिखाता हूँ, और सबसे पहले देखें आपको यहाँ पर जो कि की मिलती है, ये देख सकते हैं आपको यहाँ अनलॉक करने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर आपको रिमोट जो कि लॉक और अनलॉक का भी आपको यहाँ पर रिमोट का बटन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ से लॉक कर अनलॉक कर लें इसको, ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो एंट्री है, एंट्री आप देख सकते हैं जो कि लेग रूम भी आप चेक कर सकते हैं बहुत है। उसके अलावा हेड रूम तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है, वो तो चाहे मुझसे भी ज़्यादा लंबा बैठ बंदा हो तो वो भी इजीली अंदर बैठ सकता है, तो ये देख सकते हैं आप इसका हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये तो हो गई फ्रंट कैबिन की बात, इसके अलावा अगर इसके जो कि रेयर कैबिन है उसकी बात कर लें, ये देख सकते हैं इसके मैट वगैरह यहाँ पड़े हैं। उसके बाद मैं आपको ये बैठ के दिखा देता हूँ, ये देखें आप इसका जो कि रेयर कैबिन है उसके अंदर जो कि फ्रंट रो है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर लेग रूम देख सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर हेड रूम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इसकी जो कि मैं आपको अगेन दिखा दूँ, अगर इसको चाहें आप ये देखें, आप पीछे से अगर इसको फोल्ड करना चाहें फोल्ड करके इसकी स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो कि इसकी बैटरी का ऑप्शन जो कि अंदर मिल जाता है, इसके आगे आगे आपको ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि बैटरी का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अंदर जो कि रेयर कैबिन है उसके अंदर ही आपको जो कि इसकी बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल अगर गाड़ी के अंदर स्पेस की बात कर ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको, इसके अंदर अगर इसको रिमूव कर दें तो मेरा ख्याल में एक पूरा कमरा बन जाता है, उसके अलावा मेरे ख्याल किसी कमरे से कम है। उसके अलावा अगर गाड़ी की आप अंदर से भी लुक चेक कर लें, उसके अलावा अगर इसकी सीटिंग के अंदर जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो भी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त यूज़ की गई है। यहाँ तक बुलान की बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इसको यूनिक तो नहीं कह सकते
क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल आ गए हैं, मगर इसकी जो मजबूती है वो बाकी जो कि अब के जो मॉडल निकले उससे ज़्यादा मजबूत है। तो इसके अलावा अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें, यहाँ पे आपको जो कि सुजुकी का बैज मिल जाता है, यहाँ पे बुलान, और जो कि इसकी जहाँ तक बैकलाइट की बात है, बैकलाइट में आप देख सकते हैं इसका जो कि आपको रिवर्स की लाइट है वो सिर्फ आपको यहाँ मिलती है। उसके अलावा जो कि बैकलाइट और जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब के अंदर मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आप वो तो चाहे जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं इसको, इसकी डिग्गी को ओपन करके तो इसकी बूट स्पेस मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वो जितने सीटर आप इसको बनाना चाहें वो भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। कैरिबुलान की बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो इसकी बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको जो कि प्रेस करके इसको जो कि ओपन करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो कि आप बूट भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सीट निकाल के इसको यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको लेट के जाना चाहें तो जहाँ मर्ज़ी लेट के जा सकते हैं। यह मिसाल का एक किस्म का आप समझें कि ये कमरा ही है, तो इसके अंदर अगर आप सीटें हटा दें तो ये पूरा कमरा है। अगर नहीं हटाते तो आप इसके पीछे मतलब जो कि तीन रो बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर गाड़ी की बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो आप जितनी चाहें वो बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसके अंदर इतनी रखें इतनी, वो जहाँ दिल करें आप इसकी जो कि बूट स्पेस बना सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सुजुकी बुलान 2022 मॉडल, सुजुकी बुलान 2022 का। बाकी गाड़ी की मैंने आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिखाया, उसके अगर बाद हम फ्यूल की बात कर लें तो फ्यूल एवरेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो गाड़ी जो कि आपको शहर के अंदर 15-16 किलोमीटर पर लीटर देने की एवरेज रखती है, और आपको लॉन्ग के ऊपर 20-22 किलोमीटर पर लीटर देने की एवरेज रखती है गाड़ी। ओवरऑल गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशन है, पायदारी है, वो मैंने आपको सारी डिस्क्राइब कर दी है, क्योंकि जो कि इसके कंपेटिटर हैं वो आपको जो कि इतनी पायदारी नहीं देते जो कि सुजुकी बुलान के अंदर आपको मिल जाती है।